रविवार चांदा मोड़ के समीप श्रमिक संगठन एचएमएस के एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एचएमएस के महामंत्री शिवकांत पांडे, श्रमिक नेता विष्णुदेव नोनिया सहित एचएमएस से जुड़े तमाम स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी उपस्थित थे। इस मौके पर उज्जवल चटर्जी ने कहा कि एचएमएस एक निरपेक्ष संगठन है जिसका एकमात्र लक्ष्य श्रमिक हितों की रक्षा करना है। मौके पर शिवकांत पांडे ने कहा कि ईसीएल में यूं तो कई श्रमिक संगठन हैं, मगर एचएमएस एक ऐसा संगठन है जो हमेशा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करता रहता है। वहीं उज्जवल चटर्जी को कोलियरी मजदूर कांग्रेस एचएमएस का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे श्रमिक संगठनों में खुशी का माहौल देखा गया। तो हमारे गार्जियन को दिया गया। आज जो मेरा पार्टी का मिनिस्टर मलय खत्तर जी जब हमको बोले हैं जाने के लिए, अरविंद करने के लिए, हम जो भी करते हैं एकदम दिल का साथ करते हैं। आर यूनियन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। इलाका का डेवलपमेंट के लिए हमारे यूनियन का तरफ से जो करना पड़ेगा वो भी हम करेंगे। और जो हम टीएमसी जो कि हम टीएमसी करते हैं, कोई कोई जगह में ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होगा उसको भी मिटा साथ साथ मिटा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और हमारा टीएमसी का जो यूनियन है, आईटीटीसी का, उनको साथ ऐसा हम चाहते हैं कि दोनों यूनियन का ऐसा ही मजबूती हम लोग का कुल पे करना है कि अगला दिन में उस दिन में आप दूसरा कोई यूनियन ना रहे, यह काम हमको करना है। देखिए, हम लोगों को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और एक ऐसा अध्यक्ष जो अध्यक्ष की गरिमा और अध्यक्ष के दायित्वों को समझता है, और मैं समझता हूँ कि उज्जवल चटर्जी से बढ़िया चुनाव हमारे लिए नहीं हो सकता। जो सामंजस्य कर सके, इन्होंने श्रमिक की जिंदगी भी देखी है, इन्होंने राजशाही भी देखी है, ये आज भी पूरे एक दायित्व में हैं, और इनका जो लोगों के साथ, जो लोगों के दुख के साथ जुड़ने की जो एक मनोभावना है और जो इनका एक प्रयास है, हमको लगता है कि हमारे लिए इससे बढ़िया बेहतर चुनाव नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मंत्री जी को भी कि उन्होंने हमारे दादा को भी इसके लिए प्रेरित किया, दादा के लिए उन्होंने वो राजी किया कि उन्होंने हमारे अध्यक्ष का दायित्व लिया है। मैं समझता हूं कि उनकी जो भावना, मेरी भावना वही है कि बहुत बड़ा वर्ग, श्रमिक एक वर्ग जो है वो ऐसा हो गया है जो दिशाहारा हो चुका है। हम सारे लोग मिलकर जो श्रमिकों का सही सुख दुख है उस दिशा में काम करेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़। पूरी बात हम बोलेंगे, अपने तरफ से बोलेंगे। हमारा एचएमएस परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम उज्जवल दाई से एक गार्जियन पा गए। ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है। उज्जवल दाई से एक गार्जियन पाए हैं, और हम आशा करते हैं कि कोयला खदान के अंदर जो हमारा कुछ कमी दिखाई दे रहा है, अब तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस तो हमारे एक आदर्श है ही, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी हम नाम नहीं बोल रहे हैं, नाम लेना अच्छा नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी कुछ जो है जो ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो है श्रमिकों जो कुछ वंचित हो रहे हैं, मेरा प्रयास होगा जो दादा ने बताए, ये प्रयास होगा कि श्रमिकों का जो सोशल वर्क है, श्रमिकों का जो जेन्युइन वर्क है, वो हर परिवार तक, हर श्रमिक को घर तक पहुंचे, ये एचएमएस का पहला काम रहेगा। इसलिए आज जो उद्बोधन हुआ, ये उद्बोधन हुआ हम लोगों को पार्टी ऑफिस, जो केंद्रीय ऑफिस का उद्बोधन हो रहा है। आप जानते हैं कोई भी परिवार बगैर घर का नहीं चल सकता है, हमारा एचएमएस का घर नहीं था, संगठन इतना बड़ा था। मजदूर साथी के संदेश देंगे, हम लोग कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और आने वाला दिन में मजबूती से आपके साथ रहेंगे, हर सुख दुख का साथी रहेंगे, हर सुख दुख का साथी रहेंगे हम लोग, ठीक है, ये संदेश दें, हर सुख दुख का साथी रहेंगे। बात बाकी सब बोले हैं, धन्यवाद।